में कट कर लें, बी शेप में नहीं, 90 डिग्री मतलब आपको उठा के काटना है वर्टिकल, ठीक है। तो दोनों साइड के सेक्शन और इसके अंदर आप बारीक तरफ से हमेशा कॉम करोगे, बड़े बालों के अंदर बड़ी तरफ से, छोटे बालों के अंदर इनवर्टेड ब्लेड जब करे छोटी तरफ से, उसमें क्या होगा आपका ग्रिप अच्छा आएगा। आप यहाँ से जब कॉम कर दो ना तो बाल स्लिप होंगे, यहाँ से जब कॉम करोगे तो पूरा अटक जाएगा वो। तो पतले सेक्शन और नीचे वाला गाइडलाइन है और मुझे ऊपर से पकड़ना है और कॉम कर और नीचे वाला गाइडलाइन कॉम लॉक और स्ट्रेट 90 डिग्री सीधा 90 डिग्री है बट मेरा सेक्शन उल्टा हो गया। अब मुझे अगर थोड़ा लेंथ मेंटेन करना है तो मैं इसको थोड़ा सा फिंगर को ट्रेवल कर सकता हूँ, लंबा हो जाएगा। स्ट्रेट काटूंगा तो थोड़े बाल छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री नीचे वाली मेरी गाइडलाइन, इसको मुझे इससे मिलाना है। गाइडलाइन नीचे वाला और मर्ज करते जाओ। तो लॉकिंग उल्टा है, सेक्शनिंग पतली लेने, ब्लेंड के अंदर शॉर्टकट नहीं मारना है। क्या बहुत बड़े बड़े सेक्शन लेके जल्दी कर लोगे, जल्दी करोगे तो कट कभी सही नहीं होने वाला है। इसलिए लोग शॉर्ट हेयर कट करते नहीं है, क्यों? प्रैक्टिस नहीं करते, छोड़ देते हैं। पतले सेक्शन लोगे ग्रिप अच्छा होएगा, ईजी होएगा, ठीक है। बाल वेट, सेक्शन एकदम नीट, और लॉकिंग उल्टा। अब जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूं वैसे मेरा 90 ऊपर, जैसे मेरा भी नेचुरल ग्रेडेशन हम लोगों ने किया, और इसमें स्टेप दे रहा हूं मैं, काइट लाइन और मर्ज, फिंगर आगे से फिंगर वर्टिकल ट्रेवल करेंगे, थोड़ा लंबा रखना तो थोड़ा आगे खींच सकते हो, अदरवाइज कट जो है वो 90 डिग्री पे ही है सीधा। बट आपको लग रहा है कि क्लाइंट को थोड़ा मुझे लंबा रखना है तो आप उसको थोड़ा स्लाइड कर दो, तो एंगल आपका 60-45 हो जाएगा फिर। बाकी कट जो है वो 90 डिग्री पे ही है, लेंथ मेंटेन करना है तो ट्रेवल कर सकते हो। तो एकदम ईजी है, सिर्फ आपको ग्रिप अच्छा रखना है, गाइडलाइन नीचे वाला काटना नहीं है। गाइडलाइन जैसी फिंगर के अंदर जाएगा उसको मर्ज कर देना, और सारे ब्लेंड के अंदर जो हम लोग स्टाइलिंग करेंगे बाउंस देके इंटर सब ब्लेंड के अंदर, वो ही उसमें अच्छा लगता है। उसके अंदर आप शॉर्ट वाले तो कर्ल्स तो कर नहीं पाओगे ना, स्पाइरल तो नहीं कर सकते, ब्रश के अंदर कैसा आएंगे। तो इंटर्न करके स्टाइलिंग करना है, जहां के आगे के लंबे बाल रहेंगे वहां पे आपको चाहिए तो उसमें थोड़ा सा वेव डाल सकते हैं या उसको भी इन कर सकते हो। सेम मुझे फॉलो करना है ये क्राउन तलक, सारे बाल हाँ, आगे के तलक, यहाँ तलक, क्राउन सेक्शन तलक, सेम 90 डिग्री। हाँ, फोर बेसिस सेक्शन में जो मेरे आगे के दो सेक्शन उसको छोड़ के पीछे के सारे बालों को मैं ऐसे ही फॉलो करता जाऊंगा 90 डिग्री में वर्टिकल सेक्शन लेके। और सेम जैसे मैं बॉक्स निकाल रहा था नेचुरल में, सेम वैसे ही बॉक्स, बट मैं पतली तरफ से कॉम कर रहा हूँ और गाइडलाइन ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा गाइडलाइन, और जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा एंगल भी ऊपर। क्या समझ लो, इजी है ना? हाँ बोल ना, इतनी आवाज आनी चाहिए वीडियो के अंदर। जिनको हेयरबैंड वगैरह लगाना है उनके लिए सही है, बैंड वगैरह नहीं लगेगा, जिसको थोड़ा बाउंसी लुक चाहिए। बैंड लगाना है तो आप नॉर्मल कट करोगे, आप इन्वर्टेड ब्लेंड करोगे जो आपने इससे पहले किया है, या स्ट्रेट ब्लेंड करोगे जिसके अंदर आपका कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। जिनको चोटी बांधना है बच्चे लोग को वो सब करना है तो उसको स्ट्रेट ब्लेंड या इन्वर्टेड ब्लेंड आगे से लंबा। इस वाले में आपको पोनी नहीं आएगा, चोटी नहीं आएगा, बच्चे लोग चोटी बांधते ना तो, बट आपको सब वॉल्यूम चाहिए दे सकते हो, ऑफिस गोइंग गर्ल है दे सकते हो, कॉलेज गर्ल है दे सकते हो, स्कूल गर्ल्स के लिए आपको पूछना पड़ेगा उनके मम्मी डैडी से उनको चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही तो सब कुछ चल जाता है, बिकॉज स्कूल तो जाना नहीं है, घर पे बैठना टीवी के सामने हल्का और ज़्यादा नहीं तो सबको कर सकते हैं। हाँ तो अभी सारे स्टाइल चल रहे हैं जो बच्चे लोग पहले नहीं करते थे, हाँ बोलते अभी कुछ भी कर दो घर पे ही है,
सभी लोग चेंज कर सकते हैं, तो अभी सारे हेयर कट कर सकते हो, इवन मुंबई में तो कर ही सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो अभी छोटे बच्चे को तो स्कूल नहीं खुले। ठीक है, सेम। ठीक है, और स्टेप आप देखोगे ना अनइवन नहीं दिख रहा, इवन नहीं था। अगर मैं मैसेज ना करता तो क्या होता, छोटे बड़े बाल दिखते हैं, बट मैं एक के ऊपर एक स्टेप्स डाल रहा हूँ तो वो पूरा शेप में है, बट आपका लेयर्स है, ग्रेजुएशन में आ गया। देखो जैसे जैसे ऊपर वैसे वैसे कोम ऊपर की तरफ, मैंने सेक्शन देखो थोड़ा बड़ा लिया, दिक्कत हो रही है हाँ, तो सेक्शन छोटा ही लेना है, आप इजी कर पाओगे। नाइन्टी डिग्री नीचे वाला गाइडलाइन, साइड का लास्ट सेक्शन, साइड का साइड में ही काटना है ना, जहाँ के बाल हैं वहीं पर। जैसे हम लोग लॉन्ग हेयर कट किए थे, जहाँ के बाल हैं वहीं पर सेम जहाँ के बाल है, ट्रेवल नहीं करना, ट्रेवल करेंगे तो बाल छोटा बड़ा। नीचे वाली गाइडलाइन इसको मिला देना है वर्टिकली, करने से बाल अनइवन हो जाते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं। हाँ, जिस हेयर कट में ट्रैवलिंग की जरूरत है उसमें करेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपका जहाँ का बाल है 90 डिग्री हो वहीं पे खींच के काटना है, क्योंकि इसमें मुझे इवन ग्रेजुएशन देने, छोटे बड़े नहीं देने। बस बॉक्स बनाते जाना है, काटते जाना है। पीछे का बाल भी मैं पीछे ही खींच के काट रहा हूँ, साइड में नहीं काट रहा हूँ, जहाँ का बाल है वहीं पर। ठीक है, अभी आपको यहीं से साइड का भी स्टार्ट करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड ले लो, और मैं एक सेक्शन आगे भी काट सकता था इसको, बट मैं फ्रंट से मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप लोग बोर हो गए होंगे पीछे का देख के, तो मैंने बोला थोड़ा आगे चले जाता हूं, और एक दो सेक्शन ले सकते हैं, साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने फ्रंट का सेक्शन लिया, साइड में टिल्ट, अब मेरी पीछे वाली गाइडलाइन। पहले मैं क्या करूंगा, बेस बनाऊंगा, पहले उसको सीधा करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेम इसमें भी ग्रेजुएशन डाल दूंगा। तो पीछे वाले बाल पहले इसको 0 डिग्री में मैंने मर्ज कर दिया, 0 डिग्री में मैंने इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, बेस बन गया, ये थोड़ा देखो लंबा रह गया। वैसे तो हमारा रिवर्स चेक में निकल जाता है, बट छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हो गया, इवन आ गया। अब सेम पतले पतले सेक्शन और साइड का, अब साइड में 90 लिया, जो पीस कट गया है छोड़ दिया नीचे। अब जैसे ही मैं उसको उठाऊंगा गाइडलाइन बन जाएगी वो नीचे वाली, वन लाइन वाली। अरे नीचे का 90 में लेके नहीं काटना, खाली स्ट्रेट किया ना। जब आप स्ट्रेट, जब हम लोगों ने नेचुरल ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने स्ट्रेट काटा था, स्ट्रेट काटने के बाद जब हम उसको 90 में उठाते हैं तो वो ऑलरेडी गाइडलाइन बन जाती है। अगर मैं उसको 0 पे करूंगा तो दिक्कत होगी मुझे। तो जैसे ही मैंने वन लाइन किया और उसको ऊपर उठाया तो गाइडलाइन तो ऑटोमेटिक बन गई मेरी, मुझे 90 में काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसके ऊपर सारा मैंने 90 काट दिया। स्प्रे बॉटल दे दो मुझे, थोड़ा गीला कर लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है, पूरे ग्रेजुएशन बन गए। पतले पतले सेक्शन और सेम 90 डिग्री, और सेक्शन में ले रहा हूं वर्टिकल, और बाल पूरे अच्छे से गीले। बॉक्स बनाएंगे और वर्टिकली कोम करेंगे। देखो जैसे मैंने वेट किया गाइडलाइन कितनी ग्रिप में आई, पहले 2-3 सेक्शन गाइडलाइन ग्रिप में नहीं थी। वाइट करते के साथ ही सारे बाल चिपक गए, अच्छे से मेरी ग्रिप बन गई।
और पतली वाली साइड से मैं कॉम्ब कर रहा हूँ। बॉक्स बना लिया, अब इसके अंदर जब हम लोग इन करके ब्लो ड्राई करेंगे क्या इसका लुक रहेगा एकदम वॉल्यूम के साथ। सेक्शन ठीक है, जो लंबे आ रहे हैं बस मुझे वहीं से निकालने, मैंने ऊपर के बाद छोड़े पीछे की तरफ फॉल चला गया क्योंकि मैंने सेक्शन थोड़ा सा पीछे वाला स्टार्ट कर दिया था, अगर मैं थोड़ा आगे लेता तो ये आगे की तरफ गिरते, बट जहां पे भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस उसी गाइडलाइन से 90 में काट देना। गाइडलाइन जो आपकी सबसे लास्ट वाली है, सबसे ऊपर वाली, कौन सा कट? वेज ब्लंट, वेज ग्रेजुएशन ब्लंट। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ग्रेजुएशन डाल रहा हूं। अगर 0 डिग्री में करता तो वेज ब्लंट, बट मैं यूज कर रहा हूं 90 डिग्री, तो वेज ग्रेजुएशन ब्लंट। हाँ, ग्रेजुएशन आ गया मेरा, स्ट्रेट नहीं है, बालों के अंदर मूवमेंट है। और मुझे रिवर्स चेक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लो ड्राई के बाद हम लोग एक इवन लाइन देंगे, बट जरूरत नहीं है, पतले सेक्शन लोगे अच्छे से करोगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर पार्टिंग से मैंने सारे बाल ले लिए, लास्ट सेक्शन है मेरा ये। और बॉक्स बना लो, जॉर्ड खींच रहे इसके अंदर, समझ आ रहा है? खाली बस प्रैक्टिस करना है आपको अभी। जितने ड्राई बाल थे क्लाइंट की वो भी निकल गया, अपनी तरफ खींच के काटना है, वर्टिकल फिंगर करना है, वर्टिकल फिंगर करना है। वैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे काटते हैं, इसमें हम लोग ऐसे काट रहे हैं, चेंज हो गया एंगल। ठीक है, ये साइड देखो कितना अच्छा लुक आ गया मेरा, हाँ कितना अच्छा लुक आ गया, कितनी अच्छी लाइन आ रही है। और ग्रेजुएशन मेरे कहाँ आ रहा है, पूरे ये आ रहा है, ये मेरे पूरे ग्रेजुएशन आ रहा है। सेम सेक्शन ही, आगे से थोड़े से बाल ले लिए, पीछे के बाल जो रह गए उसको पहले निकाल देंगे। ये जो बाल रह रहा है मेरे, हेड टिल रखना है ना साइड में, हेड साइड में टिल। ठीक है, वेज ग्रेजुएशन ब्लंड माधव। हाँ, अभी ये आपका नेक्स्ट एक कट है। हाँ, ये वाला है कट, ये भी आप करने होता है। ठीक है, ये वाला निकाल दिया मैंने, अब पहले मैं बेस बना लूंगा। पहले मैं बेस बना लूंगा। ठीक है, तो जो मेरा लास्ट वाला पीस है उससे मुझे बेस बनाना है। उससे मुझे बेस बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे कट करना है। पहला सेक्शन मैं बेस बनाने के बाद आप देख रहे हो 90 नहीं काट रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों? मेरा बेस खराब हो जाएगा, वो पॉइंटेड हो जाएगा। तो बेस मैंने किया, यहाँ पे मैंने पॉइंटेड रखा है, वॉल्यूम दिया है, आगे मैं खराब नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने लिया बॉक्स, और ये देखो मेरी गाइडलाइन आ गई।
गाइडलाइन आ गई और ये मर्ज हो गया, तो लॉकिंग सिस्टम मेरा चेंज हो गया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेम फाइन सेक्शन, बाल गीले हैं मेरे, और क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे, पतले बालों के लिए अच्छा रहेगा नहीं, जिनके पतले बाल, पतले बालों के अंदर ही करना है, जिनके पतले बाल हैं आप उनको बोलो शॉर्ट बाल हैं उनको बोलो स्ट्रेट ब्लेंड कराना है, उनको बोलो मैम आपको ग्रेजुएशन ब्लेंड करती हूँ मैं, हाँ इसमें आपका बहुत अच्छा ग्रेजुएशन होगा, आपको वॉल्यूम आएगा, बोली कि हाँ ये ट्राई मैं करती हूँ, अभी तक मैंने लंबे बालों में स्टेप सुने थे, छोटे बालों में नहीं देखा मैंने, कर सकते हो या किसी का ऑलरेडी किया हुआ है आप उसको चेंज करो, पीछे ग्रेजुएशन दिख रहा है आगे नहीं है तो मैं बोलो ना मैम आगे भी ग्रेजुएशन लो ना इसके अंदर, फ्रंट से भी ग्रेजुएशन लेंगे अच्छा दिखेगा, एक्सप्लेन करो जो भी कर रहे हो, ठीक है। लास्ट पीस आगे चले गए तो अभी हेयर नॉर्मल कर देता हूँ, हेयर नॉर्मल बॉक्स सेक्शन, ठीक है, कॉम साइड से नीचे से नीचे और नीचे से ही लॉक और पतली तरफ से कॉम, ग्रिप अच्छा आएगा, जितना पतली तरफ से करेंगे उतना अच्छा कट सेक्शन। लास्ट के मेरे दो सेक्शन बचे हैं, लास्ट के दो सेक्शन कॉम किया लॉक, ये देखो मेरा गाइडलाइन नीचे वाला, और इससे बस मुझे इसको मिला देना, ठीक है। लास्ट पीस ठीक है हो गया, अब उसके बाद मैंने कैसे बताया आपका चेकिंग, सिंपल जो सब ब्लेंड के अंदर बताता हूँ, हाँ लॉन्ग हेयर कट बताता हूँ, सेंटर पार्टिंग किया हुआ है दोनों साइड से बाल ले लो, वी सेक्शन, हाँ दोनों साइड से इवन हो जाएगा ना, दोनों साइड से बाल ले लिए वी सेक्शन और इसको नोज के सामने लिया, हाँ नोज के सामने, और जो पीस आपका शॉर्ट आएगा, हाँ इधर से शॉर्ट आए चाहे ये साइड शॉर्ट आए, जो पीस शॉर्ट आ रहा है उससे आपको उसको सीधा कर देना है, हाँ तो मेरा दोनों साइड से इवन ही है, बट मेरा आगे का लंबा है थोड़ा, इसको मैं निकाल दूंगा, थोड़ा कम निकाल दूं, अब मेरा इवन हो गया, अब कॉम करके चेक कर लो, हाँ और उसके बाद स्टाइलिंग कर लो, ठीक है। तो अभी मेरा पूरा वेट है बाल, इसके अंदर मैं स्टाइलिंग करूँगा और उसके बाद फिर तो मेरा पूरा ग्रेजुएशन हो गया, पीछे से मेरा वॉल्यूम आ गया और इसके अंदर इंटर्न करना है मुझे, हाँ कोई भी साइड रख सकते हो, ठीक है। पूरा ग्रेजुएशन स्ट्रेट ग्रेजुएशन, मतलब मैंने आगे से ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, आगे से सीधा रखा है, पीछे से भी मैंने बेस लाइन बनाया और मैंने अंदर से बाल काटे, अंदर से मैंने पूरा ग्रेजुएशन दे दिया, ठीक है। तो मेरा वेज ग्रेजुएशन ब्लेंड, और ब्लेंड के अंदर सारे के सारे ब्लेंड के अंदर हमको करना है इन ब्लो ड्राई,